कोई रेलवे स्टेशन किसी एक लड़की की वजह से बंद हो जाए, यह सुनने में ही बड़ा अजीब सा लगता है, और वो भी तब जब स्टेशन खुले महज अभी 7 साल हुए हों। आपको शायद यह मजाक लग रहा होगा, लेकिन यह बिल्कुल सच है। यह रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में है, जिसका नाम है बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन, जिसे भूतिया रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। आज की हमारी कहानी इसी पर आधारित है। बेगुन कोडोर के ये भूतिया कहे जाने वाले रेलवे स्टेशन साल 1960 में खुला था। इसे खुलवाने में संथाल की रानी श्रीमती लाचन कुमारी का अहम योगदान रहा है। यह स्टेशन खुलने के बाद कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। साल 1967 में बेगुन कोडोर के एक रेलवे कर्मचारी ने स्टेशन पर एक महिला का भूत देखने का दावा किया। साथ ही यह अफवाह भी उड़ी कि उसकी मौत उसी स्टेशन पर ट्रेन दुर्घटना में हो गई थी। अगले दिन उस रेलवे कर्मचारी ने लोगों को इसके बारे में बताया, लेकिन उन्होंने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया। इसके बाद असली परेशानी तो तब शुरू हुई जब उस वक्त के बेगुन कोडोर के रेलवे स्टेशन मास्टर और उनका परिवार रेलवे क्वार्टर में मृत अवस्था में पाया गया। यहाँ रहने वाले लोगों का दावा था कि इन मौतों में उसी भूत का हाथ था। उनका कहना था कि सूरज ढलने के बाद जब भी कोई ट्रेन यहाँ से गुजरती थी तो महिला का भूत उनके साथ साथ दौड़ने लगता था, और कभी कभी तो ट्रेन से भी तेज दौड़कर उनके आगे निकल जाता था। इसके अलावा कई बार उसे ट्रेन के आगे पटरियों पर नाचते हुए भी देखा जाने का दावा किया गया था। इन खौफनाक घटनाओं के बाद बेगुन कोडोर को भूतिया रेलवे स्टेशन माना जाने लगा, और यह रेलवे के रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया। लोगों के अंदर इस महिला का भूत इतना खौफ बढ़ा चुका था कि वो इस स्टेशन पर आने से कतराने लगे। धीरे धीरे यहाँ लोगों का आना जाना बंद हो गया, यहाँ तक कि स्टेशन पर काम करने वाले रेलवे कर्मचारी भी डर के मारे भाग गए। कहते हैं कि जब भी किसी रेलवे कर्मचारी की बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन पर पोस्टिंग होती थी, वो तुरंत ही यहाँ आने से मना कर देता। यहाँ तक कि इस स्टेशन पर ट्रेनों का रुकना भी बंद हो गया, क्योंकि डर के मारे न तो कोई यात्री यहाँ उतरना चाहता था और न ही कोई इस स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के लिए आता था। इसके बाद से पूरा का पूरा स्टेशन सुनसान हो गया। ऐसा माना जाता है कि इस स्टेशन पर भूत की बात पुरुलिया जिले से लेकर कोलकाता और यहाँ तक कि रेलवे मंत्रालय तक पहुँच चुकी थी। यह भी माना जाता है कि उस वक्त जब भी कोई ट्रेन इस स्टेशन से गुजरती थी तो लोको पायलट स्टेशन आने से पहले ही ट्रेन की गति बढ़ा देते थे ताकि जल्द से जल्द वो इस स्टेशन को पार कर सके। यहाँ तक कि ट्रेन में बैठे लोग स्टेशन आने से पहले ही खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेते थे। रहस्यमय साए की वजह से करीब 42 साल तक ये स्टेशन बंद रहा। इसके बाद तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी के आदेश पर वर्ष 2009 में इस स्टेशन को फिर से खोला गया। उसके बाद से यहाँ पर ट्रेनें चलने लगी और स्टाफ की भी तैनाती हो चुकी है। फिलहाल यहाँ करीब 10 ट्रेनें रुकती हैं, लेकिन लोगों में उस साए का डर इतना है कि शाम होने के बाद स्टेशन सुनसान हो जाता है। वहीं अधिकतर स्टेशन कर्मचारी भी रात होने से पहले ही उसे छोड़कर घर निकल जाते हैं। अब बेगुन कोडोर के रेलवे स्टेशन पर भूत है या नहीं, इस बात का पता तो वहाँ जाकर ही लगाया जा सकता है, मगर वहाँ रात में जाने का रिस्क ना तो आप लेंगे और ना ही मैं। दर्शकों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली अगली स्टोरी आपके पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।